गुड मॉर्निंग वेलकम टू बुक सुपर कोचिंग कैसे हैं आप सब सेशन इज लाइव आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही होगी सुस्वागत पर्टिकुलर चैप्टर पे हम लोग करने वाले हैं बात वीकेंड है तो कुछ यूनिक चीज लेके आते हैं ठीक है जल्दी से, से सेशन को फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है आप लोग भी शेयर कर दीजिए करते हैं स्टार्ट विद इन फ्यू सेकेंड्स एक बार मैं चेक कर लू आवाज तो क्लियर आ रही है ना ओके okay. कैसे हैं आप सब ये पर्टिकुलर चैप्टर किस किस को अच्छे से आता है जल्दी बताओ जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए किस किस को इस चैप्टर को अच्छे से करना आता है एक मिनट दीजिए देख लेते हैं जी जी ऐसा ही आता है चलिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सब लोग आ रहे हैं ना धीरे-धीरे जुड़ रहे हैं सेशन से अच्छे से नहीं पता बट आता है चलो दैट्स कूल cool. <laughs> ठीक है मजा आएगा फिर तो कुछ कह रहे हैं आता है कुछ कह रहे हैं थोड़ा बहुत आता है ओके okay. फाइनली स्टार्ट करते हैं ठीक है <laughs> पढ़ा है बट परफेक्ट नहीं है कोई ना जी परफेक्ट ही तो करने के लिए आई हूँ मैं तो पहले ना कुछ नियम कायदे जान लेते हैं ठीक है इस चैप्टर के कुछ नियम कायदे जान लेते हैं आप मेरी मदद करिएगा मैं दो तीन चीज़ों पे इस चैप्टर को खेलती हूँ ठीक है आप भी वैसे ही खेला करो हमारे पास डेढ़ घंटे का समय है ठीक है तो मैं शुरू के पंद्रह बीस मिनट आप लोगों को बेस बनवा देती हूँ फिर मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी ठीक है चलेगा ठीक है सुनीगा क्योंकि मैं जब करती हूँ ना कोशिश को तो मैंने ऑब्जर्व किया बच्चे कहते हैं हमें पता तो है नहीं हमें क्या पता ऐसे कर सकते थे ठीक है तो वो चीज मैं चाहती हूँ आप सबको आ जाए ठीक है तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू आर इंटू टी बाई हंड्रेड वो हर कोई हैंडल कर लेता है जैसे तैसे दिक्कत यह है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे थॉट प्रोसेस बनाना होता है ठीक है आदित्य मैं वो सिखाना चाहती हूँ आपको मुझे दस मिनट लगेंगे पंद्रह मिनट मैक्सिमम ठीक है जिसमें मैं अपने पूरा कहते हैं ना एक गेम प्लान बता दूंगी कि ऐसे खेलना है उसके बाद आपको अप्लाई करना है ठीक है तो रूल नंबर फर्स्ट पहले तो इंटरेस्ट का मतलब पता होना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है जब भी इंटरेस्ट तैयार हो जाता है अगले साल प्रिंसिपल के अलावा पिछले इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है यह है इंटरेस्ट का बेसिक रूल जैसे कि मैं जनरली बताती हूँ काम होता कैसे मान लीजिए आपने कहीं पर बीस हजार डिपोजिट किए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर ट्वेंटी परसेंट रेट के हिसाब से लेटर सपोज आपने दो साल के लिए इन्वेस्ट किया तीन साल के लिए कर लेते हैं हम लोग ठीक है और आपने मेरे को बोला मैम बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट तो सीनेरियो समझने की कोशिश करिएगा सबसे पहले इस बीस के ऊपर आपको ट्वेंटी परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा एक साल में है ना वो एक साल का इंटरेस्ट ट्वेंटी परसेंट के हिसाब से कितना होगा चार सौ होगा बिल्कुल होगा है ना दो परसेंट कार्ड दी मतलब परसेंट से दो जीरो कार्ड दी और चार हजार होगा सॉरी चार सौ नहीं चार हजार होगा ठीक है ये चार हजार बन गया अब ये आपकी कॉपी में लिख दिया गया चल भाई लड़के का पहले साल का इंटरेस्ट चार हजार है ये नोट डाउन हो गया फिर पता क्या होगा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग फिर पता क्या होगा सुनते जाइएगा ये चार हजार जैसे ही बना ना ये कॉपी में चढ़ गया कि लड़के का एक, सा, एक साल का चार हजार इंटरेस्ट लिख दो कॉपी में लेकिन जैसे ही अगले साल शुरू होगा ना ये कॉपी में चढ़ गया आपको थोड़ी ना मिला कॉपी में चढ़ गया बैंक में तो पड़ा रह गया या जहां भी आपने डिपोजिट किया वहां तो पड़ा रह गया ये इसमें जुड़ जाएगा तो मैं इसको चौबीस हजार बोल सकती हूँ यानी कि प्रिंसिपल अब मेरा चौबीस हजार हो गया ठीक है मैं इसको ऐसे लिख दू कोई दिक्कत तो नहीं चौबीस हजार या बीस हजार प्लस चार हजार मेरे को चौबीस हजार से अच्छा बीस हजार और चार हजार लगता है तो फिर मेरे को इस पर बीस परसेंट मिलेगा चार हजार हो गया और चार हजार पर भी बीस परसेंट मिलेगा आठ सौ मिलेगा अब तीसरा साल शुरू होगा तो ये तो पहले से ही जुड़ा बैठा है मेरी कॉपी में चढ़ जाएगा अड़तालीस सौ रुपए लिख दो मैडम की कॉपी में ठीक है दूसरे साल का भी लिख दिया जाएगा फिर बीस हजार रुपए के ऊपर चार हजार प्लस ये चार हजार आ रहा है प्लस पीछे से आठ सौ भी आ रहा है सुन रहे हैं आप लोग कोई दिक्कत नहीं है ठीक है समझ रहे हैं आप लोग अब इस पर बीस परसेंट लगा तो चार हजार इस पर बीस परसेंट आया आठ सो इस पर बीस परसेंट आया आठ सो और इस पर बीस परसेंट आया एक सौ साठ तो तीसरे साल आपकी कॉपी में क्या चढ़ गया बताइए ना आठ सौ आठ सो सोलह सो सोलह सो और एक सौ साठ आपकी कॉपी में चढ़ गया भैया इसका तैयार हो गया फाइव सेवन सिक्स जीरो यहां जाके आपका अकाउंट क्लोज होगा देखो कितना कितना टाइम लग रहा है लिखने में टाइम खा रहा है ना पूरा का पूरा तीन साल लिखने में ही तीन मिनट लग गए ठीक है तो ये है बहुत बड़ी बेवकूफी आप जोड़ देंगे ठीक तो है आंसर तो आ ही जाना है फाइव फोर नाइन टेन वन फोर फाइव सिक्स जीरो आंसर तो आ जाएगा लेकिन इट इज नॉट ए गुड अप्रोच टू सोल्व द क्वेश्चन तो हमने इसकी प्रेजेंटेशन को थोड़ा आसान कर दिया आसान प्रेजेंटेशन मैं इसी चीज को जो अभी लिखा है आपके सामने उसको थोड़ा अलग तरीके से लिख दू तो पहला मेथड बताने जा रही हूं फर्स्ट मेथड

अलग से इसका बीस परसेंट ले लो आप आठ सो सुन रहे हैं आप लोग आप इमेजिनेशन पावर पे काम करिए भी जुड़ गया ये दोनों भी जुड़ेंगे अब इसमें तो आप जब बीस परसेंट लगाएंगे ना आप जब बीस परसेंट लगाएंगे अब तो चार हजार तो प्रिंसिपल पर आना ही आना है अब अपने को तीन इंटरेस्ट पर दोबारा इंटरेस्ट मिलेंगे ठीक है तीन इंटरेस्ट पर दोबारा इंटरेस्ट मिलेंगे समझ रहे हो तीन इंटरेस्ट पर दोबारा इंटरेस्ट मिलेंगे एक्चुअल में ये 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 इंटरेस्ट इसमें जुड़ा ये दोनों भी जुड़ गए तो आपको हर इंटरेस्ट पर दोबारा इंटरेस्ट मिलेगा बीस परसेंट क्या बना आठ सौ और 20 परसेंट क्या बना 160 गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अब आप इंडिविजुअली देख लेना पहले साल 4000 दिख रहा है दूसरे साल 4000 प्लस 800 यही तो था वहां पे भी तीसरे साल चार हजार आठ सौ आठ सौ और एक सौ साठ इंडिविजुअल ईयर भी दिख चार हजार यहाँ आ गया अड़तालीस यहाँ आ गया और पांच हजार सात सौ साठ यहाँ आ गया आप किसी इंडिविजुअल ईयर का भी इंटरेस्ट निकाल सकते हैं है जी एक साल दूसरा साल तीसरा साल या टोटल तीन साल का कंपाउंड इंटरेस्ट इसे नाम मैंने दिया हुआ है ट्री मेथड हेरारिकल मेथड ठीक है समझ रहे हैं आप बात को जल्दी जल्दी बताइए ये मेथड आपको आना चाहिए दिस इज द बेस मेथड दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बाद इसी में से हम छोटे छोटे रिजल्ट निकालने लग जाते हैं क्लियर होगी इतनी बात सब लोगों को ठीक है क्या आप ट्री बना के किसी भी प्रिंसिपल के ऊपर रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो बिल्कुल निकाल सकते हो ठीक है अभी मेरे को और बहुत कुछ ऐड ऑन करना है इसमें ठीक है मैं आपको बोल रही हूँ कि पंद्रह बीस मिनट मुझे बेस तैयार करने दीजिए ठीक है शदाप मैं आपसे खुद करवा लेती हूँ आप सब एक बार के लिए मेरे को पता है आपको बहुत कुछ पता हो सकता है ठीक है लेकिन मैं वहां तक जाने के लिए कदम कदम बढ़ा रही हूँ ठीक है प्रिंसिपल चालीस हजार रुपये हो और रेट टेन परसेंट हो आप मेरे को तीन साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बता सकते हैं अभी मैं कोई और प्रोसेस नहीं चाहती आप लोगों से आई नो आपको पता होगा ठीक है मैं आपसे सिंपल सी बात पूछ रही हूँ मुझे एक प्रिंसिपल रेट टाइम दिया हुआ है मुझे सीआई जानना है रिपीट कर देती हूं, रिपीट कर देती हूं। सबसे पहले मैं बता दे रही हूँ प्रिंसिपल सामने है टेन परसेंट लगेगा इंटरेस्ट तैयार हो गया पहला साल खत्म पूरा साल खत्म हो चुका है चार हजार मेरे खाते में लिख दिया जाएगा ठीक है लिख दिया गया चार हजार मैडम का हुआ अगले साल मेरे प्रिंसिपल पर दस परसेंट इंटरेस्ट चार हजार ये इसमें जुड़ जाता है सेकेंड ईयर में ये चार चालीस हजार नहीं है ये चालीस हजार नहीं है चवालीस हजार की तरह डील होता है लेकिन हमने जोड़ा क्यों नहीं टाइम पास नहीं करना ना जोड़ना जरूरी है दिख तो रहा है तो इसका दस परसेंट करना है चार सौ अगर आप दो साल बोलो ना दो साल यही खत्म हो जाएंगे ये है दो साल बस दैट्स इट ये टू ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है पहले साल का दूसरे साल का लेकिन मैंने आपसे तीन साल पूछा दो साल इजी होता है सब बना लेते हैं तीसरे साल के लिए टेन परसेंट लगाया इस पर मेन प्रिंसिपल पर अब इमेजिन करिए ये जुड़ा था पहली बार में एक साल बाद अब ये दोनों भी तैयार हो बैठे ये भी इसमें जुड़ जाएंगे तो तीन इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलेगा सबसे पहले इस पर हर बार मिलता रहेगा इस पर और इस पर ठीक है समझ पा रहे हैं आप लोग तो आप वो ठीक है थर्टी थ्री पॉइंट वन में चार हजार चार हजार चार हजार हो गया बारह हजार ऐसे जोड़ना है या ऐसे जोड़ना है बेटर क्या है ऐसे क्योंकि चार हजार तीन बार आ गया ठीक है चार सौ तीन बार आ गया ज्यादा बेटर ये है जोड़ने का तरीका चालीस एक बार आया यहीं से मैं आपको पास्कल बाबा भी सिखा दूंगी थोड़ी सी देर के बाद तो जब जो आप जोड़ोगे तो बारह हजार बना बारह सो बना चालीस बना आपने आंसर कर दिया मैम वन थ्री टू फोर जीरो समझ पा रहे हैं आप लोग ऐसे आप कितने भी साल का बना सकते हो नॉट ए बिग डील आप जितने भी साल का बनाना चाहो बना सकते हो ये है कंपाउंड इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया प्रतिज्ञा सबके माइंड के अंदर फिट हो गया चलो जो जो मुझे एड ऑन करना है मैं करती जाती हूँ मेरी बात का जवाब देना आप लोग अगर कोई बंदा मेरे से बोले कि मेरे को मैडम सी माइनस एस चाहिए तीन साल का मुझे सीआई माइनस एस आई चाहिए तीन साल का कोई मेरे से ये पूछे पहले समझो कि पूछ क्या रहा है सी आई और एस si आई का डिफरेंस तीन साल का तीन साल के सीआई और एस si आई का डिफरेंस पूछ रहा है तीन साल का ये पूरा सी आई है तीन साल का ये एस आई है तो अगर ये जो बचा हुआ है जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूं ये क्या कहोगे इसको क्या कहोगे दोबारा से सुनो तीन साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में से तीन साल का सिंपल इंटरेस्ट माइनस करना है अगर आप जनरली करते हो तो 13240 में से आप 12000 ही तो माइनस करोगे क्योंकि तीन साल का सिंपल इंटरेस्ट तो 12000 ही है सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल सेम ही रहता है यहां जब आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 1240 स्क्रीन पर देख के डायरेक्ट बता सकते हो चारह सो चार सौ चार में जुड़ा चालीस बारह सो चालीस तो आंसर कितना हो गया बारह सो चालीस इतनी बात समझ गए आप सब ये कुछ 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 जो भी लिख रहे हो ना उसको अपने पास रखो थोड़ी देर के लिए आपके जितना भी टैलेंट है वो टैलेंट मेरे अंदर भी है लेकिन मैं अपने टैलेंट को एकदम से नहीं फेंक रही हूँ ठीक है थोड़ा सबर करिए ठीक है थीके? बात समझ में आ गई स्टेप वाइज लेके चल रही हूँ समझ में आ गया अब सुनिए मेरी बात बिल्कुल साधारण बात दो साल पे तीन साल मैंने जानकर के पहले दिखाया है अगर मैं प्रिंसिपल को सोलह हजार लिख के आपको दो साल दे के आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछूं तो आपकी प्रेजेंटेशन क्या होगी अगर रेट टेन परसेंट है थ्री मेथड से प्रेजेंटेशन क्या होगी सबसे पहले हर बच्चा क्या लिखेगा कि मैडम मैं इसका टेन परसेंट निकाल दे रहा हूँ पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड ईयर में टेन परसेंट निकाल दे रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट इंटरेस्ट का इंटरेस्ट कर लेते हैं मैडम जी एक सौ साठ जब साल आगे बढ़े ही नहीं जब बात दो साल के बाद आगे बढ़ी ही नहीं तो आगे की कहानी खत्म तो हम जब इसको जोड़ देंगे सोलह सो और एक को तो बत्तीसों में जब आप एक को जोड़ोगे आपको 3360 मिलेगा कितना मिलेगा 3360 समझ रहे हैं आप लोग तीन तीन यहां पे आपको एक चीज और एड ऑन कर दू कि बाय चांस तीन, दो साल के सीआई में से दो साल के एसआई SI के बीच का डिफरेंस पूछ ले तो बिल्कुल साफ साधारण तौर पे आप इसको जवाब दे देंगे ये आपके बात का जवाब हो जाएगा 160 ठीक है चलिए हर पॉइंट ऐड करते रहना शॉर्टवे वे लिखते रहना ये बात आपके माइंड में जम गई होगी उम्मीद करती हूँ अब अगली बात सुनिए मेरी मैंने पहला प्रोसेस सिखा दिया हैरार की बनाना दो साल की सिखा दी तीन साल की सिखा दी ठीक है दो साल की भी सिखा दी तीन साल की भी सिखा दी हैरारी की सिखा दी बनानी ठीक है चलो अब सेकंड मेथड रेट मेथड ठीक है, रेट मैथड अब ये रेट मैथड क्या है पूरी सजावट ना करो एक एक इंटरेस्ट ना निकालो, एक ही बारी में प्रिंसिपल पर रेट लगा दो That is gold rate method. मतलब ये जो पिक्चर है अगर आप समझदार हो तो आपको एक चीज दिख रही होगी इधर देखिए आप लोग यहां आपने टेन परसेंट किया टेन परसेंट किया फिर टेन का टेन परसेंट किया मतलब अगर मैं आपको रेट मेथड बताऊं तो दो साल का सक्सेसिव रेट ये होता है इट इज फॉर टू इयर्स देखते जा रहे हो मतलब जरूरी नहीं है कि पूरा हर इंटरेस्ट निकाला जाए सीधा एक पर्टिकुलर रेट निकाल के प्रिंसिपल पर मार दो सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट बताएगा जैसे मैंने तुमसे यही पिछले वाला क्वेश्चन पूछ लिया टेन परसेंट रेट है ना दो साल का आप यहां पर ऐसे लिख दीजिए रेट सेम भी हो सकते हैं वेरी भी कर सकते हैं दो साल के लिए है ना तो जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे ना तो आपको ट्वेंटी प्रिंसिपल पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो रेट को प्रिंसिपल पर सीधा लगा के कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला जा सकता है ठीक है जैसे कि मैंने आपसे बोला कि वही प्रिंसिपल मैंने कुछ भी लिख दिया अभी मैं छोटे छोटे नंबर लिख रही हूँ वही प्रिंसिपल है टेन परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है टाइम दो साल है और कोई मेरे से कहता है कि मैडम कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो तो आई कैन डायरेक्टली यूज क्या यूज कर सकते हो डायरेक्टली ट्वेंटी सीधा बीस हजार पे चेप दो ठीक है बीस हजार पर चेप दो ट्वेंटी वन परसेंट को आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट फोर टू डबल जीरो होगा बस फायदा क्या है सजावट जो कर रहे हो पहले दस परसेंट फिर दस परसेंट फिर दस का दस परसेंट उसकी जगह डायरेक्ट इक्कीस परसेंट बात समझ गए सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा दो साल के लिए ये इफेक्टिव रेट होता है कई बच्चे कहते हैं मैडम तीन साल फिर तीन साल में इस फॉर्मूले को आप दो बार यूज कर सकते हो एक और फॉर्मूला भी बता दूंगी तीन साल के लिए लेकिन तीन साल के लिए आप इस फॉर्मूले को दो बार यूज भी कर सकते हो एक सिंगल फॉर्मूला भी होता है तीन साल का वो भी लिख देती हूँ अगर आप इस फॉर्मूले को दो बार यूज करते हो तो जैसे आपने दो साल बना लिया इसी के साथ दोबारा देखो अगली बार क्या करो जैसे मान लो तीन साल है तो इक्कीस है अब अगली बार दस परसेंट को इक्कीस के साथ दोबारा इसी फॉर्मूले पे छेप दो इक्कीस प्लस दस प्लस इक्कीस इंटू दस बटे सो सोल्व करने के बाद यहां इकतीस दिखा यहां टू पॉइंट वन दिखा तो फाइनली थर्टी थ्री पॉइंट वन परसेंट हो गया ऐसा सुनते जा रहे हो ना सी की जगह अगर अमाउंट निकालना है तो हंड्रेड परसेंट एड कर देना प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट एड हो जाएगा ठीक है क्या ये बातें आप माइंड में ले रहे हो वाली बात समझ में आ गई अब कुछ बच्चे मेरे को कहते हैं है, मैडम ऐसे दो बार फॉर्मूला ना लगाना हो तो देखो देखने में तुम्हें थोड़ा गंदा लगेगा लेकिन अगर तीन बारी का एक साथ फॉर्मूला चाहिए कि मैडम मैं दो बार फॉर्मूला नहीं लगाना चाहता तो ये फॉर्मूला होता है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपोन में हंड्रेड प्लस एक्स वाई जेड अपोन में चार जीरो नीचे आ जाती है ये है इकट्ठा तीन बारी का फॉर्मूला फॉर्मूला चाहिए तो स्क्रीन पर है एक्स वाई जेड जोड़ो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स के नीचे हंड्रेड करो एक्स वाई जेड के नीचे चार जीरो लगाओ हंड्रेड में और ब्रैकेट बंद परसेंटेज ठीक क्लियर हो गया माइंड में फिट हो गया बहुत ही बढ़िया अब सुनिएगा कई बच्चे मेरे से पूछते हैं मैडम चलो ये तो सी हो गया फिर सीआई माइनस एस आई सी आई माइनस एस आई दो साल के लिए अगर पता करना हो तो देखो कॉमन सेंस यूज करो सुनते जाना एग्जामिनर मान लीजिए आपसे नहीं कहता मेरे को सी आई चाहिए एग्जामिनर सीधे मुंह आपसे कहता है कि मेरे को सी आई माइनस एस आई चाहिए बस अब क्या करूं कहता है दो साल का मेरे को सी आई माइनस एस आई चाहिए अब क्या करूं और मैं नहीं चाहती कोई ट्री बनाना तो यहां बताइए ये दोनों हट गए ये दोनों हट गए तो यही तो है क्यों 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 वाई 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 आओ ना वापस देखते हैं जाके टेन टेन हटाने के बाद यही तो होता है सीआई माइनस एस आई दो साल का टेन का टेन परसेंट ठीक है तो इसका मैं एक शॉर्टकट आपको दे देती हूँ ध्यान रखिएगा जब बारी दो साल के दो साल के लिए बता रही हूं तीन को आगे कंटिन्यू करके ठीक है, तीन पैसा अभी नहीं बनाना कुछ भी ठीक है दो साल के लिए सुन रहे हैं ना आप सब? किसी भी प्रिंसिपल पर इसको थोप दीजिए डायरेक्ट सी आई एस आई का डिफरेंस बताएगा लेकिन कितने साल की बात हो रही है दो साल की इतनी बातें समझ में आ गई जितनी मैंने अब तक बताई हैं बोलो हाँ या ना रिमेंबर दिस कभी भी सीआई और एस का डिफरेंस पूछा जाए जैसे इसमें वन परसेंट बनेगा सीधा दो बीस हजार का वन परसेंट दो सौ रुपए हो गया ठीक है अब तक जितना भी मैंने बात बोला है सब समझ में आ गया पक्का है ना भगवान की कसम खाओ सही है ना चलो तीसरी बात मैंने सिर्फ तीन तीन बातें बतानी है चौथी बात तो इन्हीं का निचोड़ है बातें मैंने तीन ही बतानी है एक्स और वाई रेट है बिल्कुल अविनाश जी एक्स और वाई रेट है ठीक है सर जरूरी थोड़ी ना हर साल रेट सेम रहे रेट वेरी भी तो कर सकते हैं एक बार फिर से बता दूँ ये रेट वाली बात ना ये कह रही हूँ मैं जैसे मान लीजिए मैंने आपसे सीधे मुंह बात पूछ ली छोड़ो इधर उधर की बात मैंने कहा मैं छः हज़ार रुपये प्रिंसिपल के ऊपर पाँच परसेंट रेट से दो साल के सी और एस का डिफरेंस पूछ रही हूँ ये मेरा सवाल है

मतलब कि पॉइंट पच्चीस सीधा छह हजार पर लगा दीजिए कैलकुलेशन करके आपको आंसर मिल सकता है मैं ये कहना चाह रही हूँ परसेंट से दो जीरो कटेगी इस पॉइंट की जगह हंड्रेड आएगा पच्चीस चार पे काटेगा चार पंद्रह पे काटेगा आंसर पंद्रह रुपये आ जाएगा समझ गए आप सब पंद्रह सो नहीं सिर्फ पंद्रह ठीक है आपको प्रूव करके दिखाऊं छह हजार रुपए के ऊपर पांच परसेंट वही कर रही हूँ तो पूरी चीज लिखनी है तो ऐसे लिख दो अब बताओ मैंने जो बोला उस करने में फर्क क्या है देखो प्रिंसिपल का पांच परसेंट निकाला फिर इंटरेस्ट का पांच परसेंट निकाला वही तो किया और ये यही तो है पांच स्क्वायर बाय सो का क्या मतलब है पहले दो देखो ये क्या है पांच स्कोर बाय सो पांच बटा सो इन टू पांच बटा सो ही तो है ट्री मैथ इज इजी और नॉट दैट डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन ठीक है ट्री, ट्री यूज करना या नहीं करना चाहिए आप फ्यूचर पे डिपेंड करिए मैं मतलब मैं क्यों बता रही हूँ मैंने क्यों इन चीजों पर काम कर रखा है उसका कोई रीजन तो होगा ना चलो ये चीज समझ में आ गई आपको नाउ द लास्ट वन बहुत सिंपल सा बात रेशो मैथड ठीक है बस पांच मिनट की कहानी फिर हम क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे रेशो मेथड क्या है व्हाट इज द रेशो मेथड सक्सेसिव इंक्रीमेंट वाला मेथड जैसे कभी आपको कोई भी रेट दे दूं मैं 20 परसेंट टाइम मैं आपको तीन साल दे दूं ठीक है और मैं आपको कोई भी रेंडम प्रिंसिपल दे के मैंने कह दिया वन है और मैं आपसे कहूँ मेरे को तो कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो ये मेरा आपसे सवाल हो सुन रहे हैं आप लोग हाँ जी ठीक है इतनी बात समझ गए लाइक शेयर मार देना यार मैं तो सोच रही थी आज 100 प्लस लाइव जाओगे चलो इधर देखो 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है रेशो मेथड के अकॉर्डिंगली 5 से 6 5 से 6 5 से 6 ऐसे लिखना है आपको ठीक है आपको रीजन भी बता दूंगी कि ये कोई हवा में से उड़ के नहीं आया प्रोसेस इसके पीछे जेन्युइन प्रोसेस है रीजन है ठीक है आपने बचपन में सुना होगा कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इन टू वन प्लस आर बाई हंड्रेड की पावर टी जस्ट उसको प्रेजेंटेशन में थोड़ा लिटा के लिख दिया है इसको लिटा दिया है ठीक है ये देखिए आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का ये किताबों में फॉर्मूला हमें टीचर्स ने लर्न कराया था ठीक है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कहते थे पहले अमाउंट निकाल लो बेटा टीचर्स बोलते थे पहले अमाउंट निकाल लो फिर प्रिंसिपल और अमाउंट का डिफरेंस कर देना आएगा कोई डायरेक्ट का फॉर्मूला नहीं बताया टीचर ने कभी हमेशा के में पहले हम लेकिन हम अब बड़े हो चुके हैं हमें अपना माइंड चलाना पड़ेगा मैंने सोचा कि मान लो अगर ट्वेंटी परसेंट रेट है सचमुच तो मैं जब पुट करने लगी तो मैंने कहा अपना खुरा दिमाग लगाया बीस बटा सो एक बटा पांच करके मैंने कहा भाई साहब टाइम अगर तीन साल है तो क्या मैं ऐसा सोच सकती हूँ कि अमाउंट बाय प्रिंसिपल इज इक्वल टू सिक्स बाय फाइव की पावर थ्री हो जाएगा फायदा यह है कि अमाउंट निकालेंगे नहीं सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे अमाउंट बाय प्रिंसिपल का रेशियो ले लेंगे काय को पहले प्रिंसिपल अमाउंट फालतू टाइम पास करें 216 और 125 की सेटिंग करवा लेंगे आपस में और बता देंगे कि प्रिंसिपल ये अमाउंट ये कंपाउंड इंटरेस्ट ये तो अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई करू 125 और यहाँ 216 लिखूं तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये भाई साहब प्रिंसिपल है ये भाई साहब अमाउंट है और इनके बीच में जो प्राणी आएगा वो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट हमने टाइम बचा लिया स्कूल की तरह करते तो माइनस माइनस करते रह जाते अब आप बोल सकते हो कि मैडम ये वैल्यू वन टू फाइव डबल जीरो है हंड्रेड टाइम्स हो रही है तो क्यों ना आप भी इसको हंड्रेड टाइम्स कर दीजिए ये नाइनटी वन हंड्रेड हो जाएगी क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई खत्म क्वेश्चन दिस इज रेशो मैथड किसी भी रेट पे काम करता है एनी रेट तीनों साल के रेट वेरी भी कर सकते हैं तब भी काम करेगा सेम हो तब भी काम करेगा क्लियर हो गया ये है रेशो मेथड रेशो मेथड की एक छोटी सी कमी पेशी मैं बता देती हूँ रेशो मेथड सिर्फ आपको बाउंड्री पर लाके खड़ा करता है रेशो मेथड की एक छोटी सी ड्रॉबैक ये है कि आपको प्रिंसिपल और अमाउंट का बताता है इसका बीच बिचोला कोई मतलब नहीं ये पर्टिकुलर ईयर नहीं दिखा सकता शुरुआत और अंत दिखाता है और बीच में ओवरऑल बताता है क्लियर है है ठीक क्लियर तो कब साथ ही साथ मैं एक लास्ट बात बता देती हूं, मेरी कहानी खत्म हो जाएगी फिर हम क्वेश्चन करेंगे तीनों साल डिफरेंट हो तो बता दू बता देती हूं. Suppose, पहले साल का रेट साढ़े बारह परसेंट है दूसरे साल का रेट आप बोल दीजिए वही लिख दूंगी टेन परसेंट है तीसरे साल का रेट मान लीजिए पांच परसेंट ठीक है थीके? ये एक बटा हुआ ये एक बटा हुआ ये एक बटा हुआ तो आप कैसे लिखोगे एट पर वन ज्यादा नाइन नाइन बाई एट हो गया ना टेन पर वन ज्यादा इलेवन बीस पर एक ज्यादा इक्कीस मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसा ठीक है अविनाश और कुछ और कोई आपके मन में टेंशन चल रही हो जो आपको मेरी क्लास में समझ अभी तक ना आया हो आप रिपीट चाहते हो मैं रिपीट कर दूंगी ठीक है क्लियर हो गया सब लोगों को यहाँ तक माइंड के अंदर पूरा अच्छे से चला गया ओके okay है डन है ठीक है ऐसी गंदी गंदी चीजें नहीं करनी है जो तुम कर रहे हो जरूरत ही नहीं पड़ी कभी जिंदगी में कुछ खतरनाक करने की ठीक है बड़े आराम से क्वेश्चंस बनते हैं बड़े स्मूथली बनते हैं अब लास्ट बात पास्कल बाबा की जय पास्कल ट्रायंगल ठीक है ये लिख लो आप लोग अपनी नोटबुक्स में और मेरी बातें सुनते रहना टू वन थ्री थ्री वन फोर सिक्स फोर वन ये चलते रहे कहानी आपको अभी सिर्फ इतने इतना याद करना है आपके मतलब का इतना ही है ठीक है टू वन थ्री थ्री वन फोर सिक्स फोर वन आप बोलोगे ये क्या बुलाया मैडम हाँ बता रही हूँ तेजवीर डेट इज पास्कल बाबा अभी ये क्या लिख दिया मैडम ऊपर से टप गया ऊपर से नहीं टपा आपके आपको पता है दिस इज शॉर्टकट ऑफ ट्री मेथड शॉर्टकट ऑफ ट्री मेथड जैसे मैं ट्री बुलाती हूं आप कुछ भी बुला लीजिए अपनी मर्जी से शॉर्टकट ऑफ ट्री मेथड आपको सिखाती हूं शॉर्टकट का क्या मतलब हुआ यहां पे यही ये ये. ये देखिए आप लोग आपको दिख रहा है चार हजार तीन बार आठ सौ तीन बार और 160 एक, एक बार दिख रहा है ना नजर तो यही टिका टिक रखी है ना आप लोगों ने आगे देखो दो साल का देखो एक बार सोलह सो दो बार और 160 एक, एक बार ठीक है मैं फिर से आती हूँ और मैं ये भी एड ऑन कर देती हूँ कि इसमें सीआई और एसआई SI का डिफरेंस ये वाला होता है बाद में बताती हूँ पहले ये तो समझा दू मैडम की बातों को ध्यान से सुनना कभी भी किसी भी प्रिंसिपल पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीधे मुंह सवाल है ज्यादा पंगे पंगे नहीं ले रखे ठीक है तो तीन तीन एक को यूज कैसे किया जाता है तीन साल के लिए तीन तीन एक दो साल के लिए दो एक ठीक है चार साल के लिए चार छह चार एक और लर्न करना मुश्किल भी नहीं अभी लर्न हो जाएगा सबको ठीक है करना क्या है आपको सबसे पहले आपने अगर तीन साल की बात की आप अपनी कॉपी में तीन तीन एक लिख लीजिएगा और मेन प्रिंसिपल के ऊपर 20% लगा दीजिएगा जैसे ही मेन प्रिंसिपल पर 20% लगाया 4000 आया उसको इज्जत से इसके नीचे लिख दो या ऊपर लिख दो वो आपकी परची फिर इस 4000 को ले लो इसका 20% करो 800 यहां लिख दो फिर 800 लेओ 800 का 20% करो 160 यहां लिख दो ये प्रोसेस है ठीक है और चार हजार तीन बार लिया मतलब बारह हजार हो गया आठ सौ तीन बार लिया मतलब 2400 हो गया। 160 एक सौ साठ मतलब हो गया जब आप जोड़ देंगे दिखाऊंगी आपको आप खुद प्रिडिक्ट करना अच्छा हाँ ऐसे जल्दी हो जाता अच्छा ऐसे जल्दी हो जाता यहां तक सारी बातें समझ में आ गई इस माइंड के अंदर बैठ गई अब दो साल होता तो दो एक चार साल होता है तो चार चार एक ठीक है एक चीज और एड ऑन कर देती हूं जो मैंने ये दो एक लिखा है ये तीन तीन एक लिखा है ये चार छ चार एक लिखा है इसमें पहली लाइन सिंपल इंटरेस्ट की होती है अगर आपने ये वाली लाइन को नाम देना है तो ये सी आई माइनस एस आई है ये सी आई माइनस एस आई है और ये सी आई माइनस एस आई है ये सोच रहे हो कि कैसे आ गया चार साल का तो आपने कुछ नहीं लिखाया अभी तक ठीक है डोंट वरी बता दूंगी कैसे आया क्या इतनी बात आपके माइंड में चली गई है बताओ एक बार आपने नजर टपा ली इसके ऊपर से समझ में आया आप लोगों को थोड़ा थोड़ा कैसे कब क्या यूज करना है बोलो इसकी टेंशन मत लीजिए अभी धीरे धीरे और एड ऑन हो जाएगा एक छोटी सी बात और सुन लो लास्ट बात है खत्म करेंगे इस कहानी को यहाँ तक <coughs> क्या बता रही थी मैं आपको हाँ आपको ना टेन परसेंट को अच्छे से रटना है ठीक है अभी के लिए टेन परसेंट को अच्छे से रखना है टेन परसेंट का आपको तीनों साल का रेट इफेक्टिव लर्न होना चाहिए दो साल का भी तीन साल का भी और चार साल का भी मैंने आपके सामने थोड़ी देर पहले ही ठीक है मैंने थोड़ी देर पहले ही आपके सामने दो साल पे टेन परसेंट का इफेक्टिव रेट इक्कीस परसेंट निकालना था आपको याद होगा इस फॉर्मुले से निकालना था ठीक है जी अगर तीन साल का आपने फोकस किया हो तो मैंने तेंतीस पॉइंट एक परसेंट लिखा था और अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट बताऊं तो फोर्टीट होता है आप इस फॉर्मूले पे दोबारा दोबारा लगा के देखते रहो बन जाएगा ठीक है ये आप चारों याद रखो और यही तो वो है टू वन थ्री थ्री वन फोर सिक्स फोर वन आप फोर सिक्स फोर वन में परेशान हो रहे होंगे कैसे लिख दिया रेशो मेथड से लिख के दिखाऊं क्या है सारी चीजें एक जैसी ही हां इक्कीस को दो बार यूज कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हो सारी चीजें है एक जैसी ही इधर से कान पकड़ लो उधर से पकड़ लो आप रेशो से करके देख लो दस से ग्यारह दस से ग्यारह दस से ग्यारह दस से ग्यारह मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाती हूँ चार जीरो आई इसको करोगे ना ये वन फोर सिक्स फोर वन बनेगा मल्टीप्लाई करके देख लो इंटरेस्ट देखोगे फोर सिक्स फोर वन बनेगा टेन थाउजेंड पर और जब सोल करोगे तो फोर्टी सिक्स पॉइंट फोर सब एक ही बातें सब बताऊंगी हाँ वो भी आते हैं अश्विन वो भी आएंगे वो बहुत ईजी है डोंट वरी अभी आ जाएंगे आपकी क्लास में ही आ जाएंगे ठीक है वो सबसे ज्यादा आते हैं बल्कि जो आप लिख रहे हो सारे बताऊंगी मनीष पहले एक बार ये चीज कर लीजिए ठीक है <coughs> दो सेशन के अंदर सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा पहले ये बताओ सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया जो अभी तक देखा है वो सब समझ में आ गया आप सबको ठीक है तो ये आप प्लीज याद रख लीजिए और यहीं के यहीं डिफरेंसेस भी याद कर लीजिए मैम ट्री मेथड से ऐसा ही।, ही क्या ऐसा तो सीधा हर साल सेम ही होता है गुड़िया प्रिंसिपल पर एस आई निकाल लो एक साल का उसको तीन साल है तो तीन से मल्टीप्लाई कर दो एस आई इज वेरी सेम वेरी सिंपल सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल सेम ही रहता है अगर रेट ना बदले तो एक छोटी सी बात मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि आपको differences भी याद रखने दस परसेंट तो याद कर लो अभी के अभी। ठीक सिंपल इंटरेस्ट बीस परसेंट होगा ना सीधा प्रिंसिपल पर रेट लगा दो ना दस परसेंट दो साल का बीस परसेंट सिंपल इंटरेस्ट तो रेट इन टू टाइम होता है तभी तो स्कूल में ये फॉर्मूला लर्न करा था ये डायरेक्ट यही सिखाया था ना टीचर ने लर्न करने को अब यहां देखिए डिफरेंस कितना हो जाएगा सीआई और एस SI आई का एक परसेंट तीन साल का सिंपल इंटरेस्ट तीस परसेंट होता है डिफरेंस कितना चालीस हो परसेंट होता है दस परसेंट से बता रही हूँ आप इज कंपाउंड इंटरेस्ट जो मैंने नीचे लिखे हैं दैट आर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड माइनस सिंपल इज डिफरेंस बिटवीन सी एंड एसआई रेट है डायरेक्ट प्रिंसिपल पर लगाओ आंसर पाओ क्या यहाँ तक सारी बात माइंड के अंदर फिट हो गई होछ पोछ तो नहीं हो गया कुछ भी मैंने आपको दो तीन बातें बताई इसीलिए पहले ही बता दी क्योंकि क्वेश्चन में जाके कुछ और अप्रोच लगाई ना मैंने जितनी बार बच्चे कहते हैं हमें तो समझ में नहीं आया तो आपको आता है हमें तो नहीं आता ठीक है मैं सिर्फ टेन परसेंट लर्न करने को नहीं कह रही हूँ मैं ना कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स के सेशन लाऊंगी ठीक है शॉर्ट ट्रिक्स के उसमें मैं कुछ ऐड ऑन करती रहूंगी आपको सिर्फ टेन नहीं कुछ और रेट्स भी याद रखने होंगे ये चीज़ समझ में आ गई

बचपन की बात बताती मतलब बचपन इन द सेंस जब लाइफ में मैंने भी कभी ना कभी तो इन चीजों को पढ़ा ही होगा कोई पेट से तो नहीं सीख के आता जब मैंने पहली बार सीखी थी तो मैंने भी ट्री मेथड ही बनाया था ठीक है लगता था ट्री सब कुछ है लेकिन जब आगे समझ में आने लगा यार ये तो कॉम्प्लेक्स जा रहा है तो नई 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 चीजों पर काम करना पड़ा ठीक है तो आप खुद ही सीख जाओगे जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन लेके आ रही हूँ आप खुद जजमेंट करना हो सकता है शुरुआत में आपको परेशानियों का सामना करना पड़े क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा मैं तो जितना मेरे को मौका मिला उतने क्वेश्चन करा दूंगी लीजिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा जब तक मेरे पास टाइम है जब तक मुझे क्लास मिली हुई है जितने बनवा पाई बनवा दूंगी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जो तुम्हें लगता है द बेस्ट मेथड है वो लगाओ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू दिस मच एट 10% कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 इयर्स व्हाट वाज द सम प्रिंसिपल क्या था हाँ सेम टू सेम गजेंद्र अपने आप से आइडिया हो जाता है आफ्टर सम प्रैक्टिस फिर टीचर के बात को बार बार देखने का जरूरत नहीं पड़ता एक बार प्रैक्टिस करिए पचास मैं तो ये कहूंगी पचास साठ क्वेश्चन नजरों से टपा लीजिए उसके बाद आपको खुद समझ में आने लग जाता है कि मैं क्या करूं अब इसमें आपको जो ठीक लगे आप वो करिए बताइए आप क्या सोच रहे हैं रेशो मेथड ट्री ट्रा ट्री तो प्रिंसिपल हो तो ट्री बनाना अच्छा लगता है ठीक है प्रिंसिपल बेटर जब बड़ा स्मूथ है है ठीक ही स्मूथ है अगर मैं रेट सक्सेसिव रेशो मेथड लगाऊं दस से ग्यारह दस से ग्यारह दस से ग्यारह हजार रुपए प्रिंसिपल एक तीन तीन एक अमाउंट ठीक है होल्ड अच्छी होनी चाहिए अब ये मेथड तब अच्छा है जब रेट की नॉलेज है ठीक है अब यहां से आपने कहा मैडम ये अमाउंट तो सिक्स सिक्स फाइव फाइव है आप प्रिंसिपल जानना चाहते हो डायरेक्ट दिख रहा है यूनिट डिजिट से भी आइडिया लग रहा है पांच गुना हो रहा है इधर भी पांच गुना करके प्रिंसिपल को मैंने पांच हजार कर दिया खत्म कहानी ठीक है अब देखो दीपक ने मेरे को पता था <laughs> कोई ना कोई खुरापाती दिमाग लगाएगा दीपक ने क्या किया वन थ्री थ्री वन वो भी सही है अब मैं आपको ये चीज बताऊंगी खुद भी बताने वाली थी मैं देखिए मेरे से अश्विन ने एक बात पूछी थी कि मैम आप तो कंपाउंड इंटरेस्ट बता रही हो अमाउंट का भी कोई रेट होता है बिल्कुल होता है मैंने अभी थोड़ी देर पहले तो टेन परसेंट का इफेक्टिव रेट थर्टी थ्री पॉइंट होता है अभी थोड़ी देर पहले आपने खुद लर्न किया ना ये किया ना तो ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट है अगर आप अमाउंट को डायरेक्ट रिलेट करना चाहते हो देखो जी हर चीज अपने आप में हंड्रेड परसेंट होती है प्रिंसिपल खुद का सो परसेंट प्लस प्रिंसिपल का तैतीस पॉइंट एक परसेंट मतलब आप बोल सकते हो कि प्रिंसिपल का 133.1% इज इक्वल्स टू 665 फाइव क्या ये 133.1 वाली बात समझ में आ गई क्या ये 133.1 वाली बात समझ में आ गई रीजन बीइंग 33.1 इज कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट बट वी आर टॉकिंग अबाउट अमाउंट का रेट यहां से जब मैं प्रिंसिपल निकाल लूंगी तो मेरे को साफ-साफ नजर आना चाहिए कि दो इस परसेंट की दो जीरो इस पॉइंट की दो जीरो मिला के तीन जीरो और ये कटेगा पांच पर तो पीछे तीन जीरो लगा दो आंसर पांच चार हो गया। <laughs> बिल्कुल यही चीज है प्रतिज्ञा बिल्कुल यही चीज है ठीक है सही है हाँ अमाउंट दिया है बिल्कुल क्लियर हो गया ठीक है बट प्लीज ये चीज नहीं ये पुरानी यादें छोड़ दई इनको भूल जाइए डोंट डू लाइक दिस ये चीजें आप प्लीज इग्नोर कर दीजिए इसको यूज मत करिए इसकी जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे क्लियर हो गया इतना अगले क्वेश्चन की तरफ चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बताइए चलते जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है जल्दी से मुझे आंसर करिए देर इज फोर्टी परसेंट इंक्रीज इन एन अमाउंट इन एट इयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट ठीक है सिंपल इंटरेस्ट पर आपका पैसा फोर्टी परसेंट बढ़ रहा है वट वि कंपाउंड इंटरेस्ट ओन रुपीजेंड आफ्टर थ्री इट द सेम रेट आपका गेम है आपको जैसे खेलना है याद करना ही नहीं है <laughs> जब वो प्रतिज्ञा ने वन थ्री थ्री वन बाय थाउजेंड लिखा ना मुझे तब डर लगने लगा कि उसने ऐसे क्यों लिखा है तभी मैंने टोका है हाँ जी दसो मेनू आठ साल में आपका सिंपल इंटरेस्ट चालीस परसेंट बढ़ गया है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है दस हजार रुपए के ऊपर तीन साल बाद का सेम रेट पर जो मैंने तुम्हें हथियार दिए हैं जोन सा तुम्हें लगता है चलाने के लिए सही है इस टाइम पे वो चलाओ पांच परसेंट का रेट भी लन तो करवाऊंगी मैं अभी कई बच्चों को लन भी होगा सबसे पहले 40 परसेंट बढ़ गया पैसा आठ सालों में सिंपल इंटरेस्ट पर ये लाइन तो जस्ट ए ट्रैप है दिस लाइन लाइन ट्रैप इस को देख के घर पर मत इस लाइन का इनडायरेक्टली मतलब ये है कि आपको हम 40 परसेंट पैसा बढ़ा के दे रहे हैं आठ साल में सिंपल इंटरेस्ट पर इस लाइन की फीलिंग तो यही है कि आठ साल में हम सिंपल इंटरेस्ट पर आपको चालीस पैसा फालतू देंगे मेरे को पैसा दो आप अपना मैं कहती हूँ आठ साल बाद मैं इसको चालीस परसेंट ज्यादा करके दे दूंगी आप यही तो बोलोगे कि आठ साल का सिंपल इंटरेस्ट चालीस परसेंट हो गया सही बात है ना सीधे मुंह नहीं बोल रहा <coughs> एक साल का पांच परसेंट हो गया बस ये ऊपर वाली लाइन का सिर्फ एक ही मतलब था कि आपको रेट निकालने में मदद कर रहा था अब अगली लाइन में बोलता है कि दस के प्रिंसिपल के ऊपर पांच रेट के हिसाब से तीन साल का सी बता दीजिए अब मैं पूरी तरह तुम पे निर्भर हो गई बताओ मेरे को क्या करना चाहिए गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग अब मेरी मदद तुम कर दो कि मैं क्या करूं बताओ 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 तेजवीर क्या करूं तीन साल का सीआई ढूंढ रही हूं बताओ, कोई तो हेल्प कर दो क्या करना चाहिए मुझे रेशो मेथड लगवा रहे हो 21 का क्यूब करना भी तो आना चाहिए रेशो मेथड पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी मुझे 21 का क्यूब की नॉलेज है या नहीं है वो डिपेंड करता है वैसे है सबको होगी ठीक है अब जैसे दीपक ने आठ हजार वाला मैं तो आठ हजार के अगेंस्ट हूँ। आई एम नॉट विद रेशो मैथड इन दिस क्वेश्चन मैं होती तो पास्कल बाबा लगाती या मेरे को पांच परसेंट के रेट आते होते ठीक है अभी आपको लर्न नहीं है मैं आपकी जगह खड़े होके सोच रही हूँ कि जितनी कहानी मैडम ने सिखाई है उस हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए मैं होती तो तीन तीन एक लगाती बड़े आराम से दस हजार का पांच परसेंट पांच सौ बड़े आराम से चलेगा और अंदाजा भी लगने लग जाएगा कहां तक ही जाएगा खिंच के ऑप्शन आंखों के सामने हैं कोई रोक के तो दिखा दे मेरे को सॉल्व करने से 25 बताओ एक बात बताओ कोई बंदा आगे चुसकेगा क्या इनकी इतनी दूर पहुंचने की इसकी हैसियत भी है यहीं से देखो आगे जाई क्यों रहे हो ऑप्शन पे एक नजर टिका के बैठे हो, हो। 500 3 1500 25 3 75 कहां पहुंच जाएगा 6 700 की रेंज में 1500 से आगे 1500 से आगे इसकी हैसियत ही नहीं जाने की लगभग 1500 चार ही ऑप्शन है पहला टिक मार दो ठीक है अब इधर देखो अब मैं 25 का 5% करूं तो 1.25 हो गया आपको मैं पूरा लिख के तो दिखा रही हूं 500 ती है 1500 25 ती है 75 और 1.25 इनटू 1.1 ये बन जाएगा 1.576.25 इवन मैं आपको ये भी बता दूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 5 से से साल का ठीक है फॉर्मूले तो मैं भगाऊंगी ही मैंने खुद ही भागने के लिए ही छोड़े हैं ठीक है अंकुर फॉर्मूला फॉर्मूला नहीं रटवाती मैं कभी भी कोई भी कहा जो कोई ट्रिक वाला फॉर्मूला है जो आपके लिए जरूरी है वो जरूर बता देती होती हूँ सब समझ गए ना <laughs> अगर आपका मन कर रहा है ना तो आप याद भी रख सकते हो पांच परसेंट का तीन साल का इफेक्टिव रेट ये होता है पंद्रह पॉइंट सात छ दो पांच परसेंट ठीक है चलो जी कोई ऐसा बच्चा है जिसके ऊपर से टप गया हो रोक रोक के आपसे पूछ रही हूं अगर आपको सच में समझ में नहीं आया कमेंटवा तुम्हारे पास है सीधा लिख दो मेरे को नहीं पल्ले पड़ा आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको लग रहा है कि मेरे को नहीं समझ में आया पूछ लीजिए सबको क्लियर है कोई परेशानी जैसी बात तो नहीं है ऑप्शन पे एक टेडी आंख तो रखनी पड़ेगी जी पेपर फाड़ना है तो थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा क्लियर है ना चले 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 आ गया निधि ने नेहा कर दिया तो निधि का बात मानते हो मैं आगे चलती हूँ आंखों आंखों में उड़ा देना अगला सवाल ध्यान से बिल्कुल ध्यान से लीजिए सवाल आपकी स्क्रीन पर है क्या नहीं समझ में आया रिंकेश जी पूरी क्लास अटेंड करिए शुरू से देखो रिंकेश अगर बीच में एंट्री करिए ना तो ऊपर से ही जाएगा क्योंकि मैंने एक लैब बना के पढ़ाया है सारा कुछ ठीक है प्लीज आप पूरी क्लास अटेंड कर लेना उड़ाओ 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 उड़ा। क्या ही करना है ब्रो हजार रुपए में दस परसेंट के हिसाब से तीन साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है कुछ भी कर दो तो, कैसे भी कर दो तो? ज्यादा सजावट नहीं आंखों आंखों में उड़ा दो हर किसी का दिल बोलेगा कि मैडम ये कैसा सवाल है हम तो तैतीस लगाएंगे और आंसर बनाएंगे खत्म हाँ उड़ा दो इसको क्योंकि हजार रुपए के ऊपर दस परसेंट का तीन साल तैतीस पॉइंट एक परसेंट होता है ये रटना ही रटना है रेशो राशो जो लग गए कर दो लेकिन सच्ची बताओ ऐसे देखोगे तो ही तो आंसर बिना पेन के आएंगे ठीक है ये लो जी पॉइंट हट गया तीन तीन एक रुपया इंटरेस्ट हो गया गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग चलो दिस इज डन फ्रॉम माई साइड आगे चलते हैं चीजों को समझते हैं ठीक है आप बताओ क्या लग रहा है दिल में क्या आता है सोचो सोचो इंडिया अमाउंट सोचो। बताना है बोलो बोलो में ही करना था एक बार लैब पकड़ लोगे ना तुम मतलब फ्लो पकड़ लोगे फिर तुमको मैं मुश्किल मुश्किल सीढ़ियां चढ़ाती हूँ पहले तुम छोटी छोटी सीढ़ियां तो चलो कटरा तक तो पहुंचे फिर वैष्णो देवी चलेंगे बताओ जल्दी से <coughs> क्या सोचा तुम लोगों ने क्या दिल में क्या आया बता दो मेरे को भी आपके माइंड में क्या आया बताओ जरा शेयर तो करो अपनी थॉट प्रोसेस में को ना रेशो मेथड स्ट्राइक किया पता है क्यों <laughs> क्योंकि मुझे उससे सीधा आंसर दिखा बीस परसेंट वन बाय फाइव होता है पांच से छ पांच से छो पच्चीस से दो सो सोलह ध्यान रखना कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछ रहा अमाउंट पूछ रहा है तो ये भाई साहब अगर डबल जीरो हो रहे हैं तो मैंने राइट वाले को भी डबल जीरो कर दिया टू वन सिक्स डबल जीरो सही नहीं है ये गोट है जी क्वेश्चन ही ऐसे हैं जी ये क्वेश्चन जो अभी दिख रहे हैं ना ये आपके बेस को बनाने के लिए है ठीक है ताकि आप चीजों पे काम करना सीख जाए <laughs> हम तो नए सिरे से चल रहे हैं ना लोकेश अब आगे चलती हूँ ध्यान से सुनिएगा सब बच्चे सुनना क्या देखना आपको तो <coughs> तैयार हो आप सब कहानी को आगे बढ़ाए चलो सोच समझ के जवाब देने को मंगता मैं पूछती हूँ रुकिए आप लोगों से अब मैं आपको मंथली शंथली भी सिखा देती हूँ ठीक है ये देखिए क्या है Smile जी मैंने 40 मिनट पढ़ा दिया वो सारी चीजें रिपीट करना तो मुमकिन नहीं है आप रिकॉर्डेड देख सकते हो ठीक है पूरा 40 मिनट का सारा सेशन इट इज नॉट पॉसिबल टू रिपीट दो तीन मिनट पीछे होते तो मैं बता भी देती सारा का सारा वट इज दन ईयर ऑन समूपीज ट्वेंटी थाउजेंड एट द रेट ऑफ फोर्टी परसेंट पर एनम कंपाउंडेड हाफ मैडम जी ये क्या नया से आप है मैडम जी यहाँ कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला हुआ है और मैडम जी टाइम एक साल है पहले आप इसमें हाथ जमा लीजिए मैं समझाती हूँ ये भाई साहब है क्या ठीक है अश्विन इधर सुनो देखो जी बीस हजार रूपए प्रिंसिपल है टाइम एक साल देखो एक साल कुछ नहीं होता होता अगर चालीस परसेंट रेट से कोई भी एक साल बोल रहा है तो एक साल सिंपल इंटरेस्ट का बात होता है उसमें कंपाउंड की फीलिंग कहां से आ जाएगी मैं तुम्हें कहूँ चालीस हजार रुपए ले जाओ बीस हजार ले जाओ एक साल के लिए दे रही हूँ चालीस परसेंट तुम बोलोगे एक साल तो सिंपल इंटरेस्ट होता है ले जाओ मैडम सिंपल इंटरेस्ट खत्म करो कहानी लेकिन मैंने तुमसे एक शर्त लगाई है और शर्त ये है मतलब तुमसे कंडीशन पे बात की है कि मेरे को तुम हाफ इला इंटरेस्ट दोगे हाफ ईयरली मतलब हाफ ईयरली मतलब हाफ ईयरली का मतलब होता है एक साल में दो बार तोड़ो पहले टाइम को एक साल के अंदर छ महीने कितनी बार आते हैं दो बार ही तो आते हैं हमारा एक साल बारह महीनों से बनता है मतलब आप सीधी सीधी बात बोलू शॉर्टकट में बताती हूँ आपने मेरे से बोला है कि पहले छह महीने का इंटरेस्ट निकाल लेना ठीक है मैडम मेरा प्रिंसिपल आपके हाथों में है छह महीने बाद ही आप इंटरेस्ट ये आपने साइन लिया मेरे से महीने बाद जो इंटरेस्ट आएगा उसको प्रिंसिपल में जोड़ देना हर महीने का इंटरेस्ट मेरे प्रिंसिपल में जोड़ देना फिर उस पर इंटरेस्ट निकालना समझ रहे हो बात को तो यार ऐसा केस में कोई भी जो पैसा ले रहा है आपसे जो आपको ब्याज देगा वो ये भी तो बोलेगा कि ये तो पर एनम रेट है वो ये भी तो कहेगा कि रेट को बदलना पड़ेगा अगर छ महीने की कहानी है तो इस रेट को बारह महीने के लिए चालीस रखा गया है ना छ महीने के लिए तो रेट बीस परसेंट होगा फिर है कि नहीं तो कहानी कुछ इस तरह से घूम जाएगी सारे जज्बात बदल जाएंगे टाइम हो जाएगा दो हाफ इू ईयर्स like और रेट हो जाएगा क्या 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 ट्वेंटी कितना था रेट वोट इतना 20% हाफ इयरली वही सेम 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 चीज चलेगी बाकी सब कुछ सेम तो यहाँ पर अब आप मेरे को बताओ कैसे करना चाहिए आपको क्या ठीक लगता है आप क्या करते मेरी जगह होते तो दो हाफ इयरली रेट 20 आप बताइए क्या सोच रहे हो कई बच्चों को 20 का इफेक्टिव रेट पता होगा 20 44% बनता है ठीक है कई बच्चों को ये होगा कि मैडम जी देखो सीधी सीधी बात है प्रिंसिपल 20000 है रेट ट्वेंटी परसेंट पर हाफ इयरली है टाइम अपने पास दो हाफ इयरली है ठीक है एवरीथिंग इज ओके कूल जो दिल करे वो लगा दो तुमने कहा मैडम छोटा सा ट्री बना लू क्या कर ले दोस्त कोई दिक्कत नहीं है बीस हजार का बीस परसेंट मैडम जी चार हजार होता है जी छ महीने का इंटरेस्ट आएगा एक साल का नहीं है रेट आधा कर दिया है छ महीने का इंटरेस्ट प्रिंसिपल में जुड़ेगा बीस परसेंट लगा दीजिए चार हजार हो गया चार हजार का बीस परसेंट कर दीजिए आठ सौ हो गया एट्टी हंड्रेड को हा का सिंबल दे दीजिए रेशो मेथड भी लगा सकते कोई भी लगा लो कोई भी लगा लो सब ओके इट विल वर्क लाइक टू ईयर्स अब कुछ बच्चे को पता है कि एक्स प्लस वाई प्लस से आपको फोर्टी फोर परसेंट मिलेगा आप फोर्टी फोर परसेंट डायरेक्ट लगा लो कौन रोक रहा है जिसको फोर्टी फोर परसेंट लर्न है, जैसे टेन सारे इंपॉर्टेंट है, है, तो है, है। यहाँ पे ट्वेंटी प्लस 20 प्लस ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी से 44 परसेंट भी लगा सकते हो डोंट गेट कन्फ्यूज ये हाफ क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन दिखाते हो फिर ज्यादा एक्सप्लेन कर पाऊंगी बातों तो से नहीं समझ में आएगा रुको 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 एक क्वेश्चन और दिखा दो कंप्यूटर जी ऐसा भी देखा था जी लाइक दिस आज से, से, करना बताओ क्या होगा कमेंट अब आपके हाथ में कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है ढाई साल बोल रहा है दस मंथली कर दिया ये तुम करोगे रेट भी बदलेगा टाइम भी बदलेगा रेट भी बदलेगा टाइम भी बदलेगा रेट भी बदलेगा टाइम भी बदलेगा बताओ 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 साइन किस पे किया हर दस महीने का इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में जोड़ो ये करके दिखाओ तुम सारे लाइक करते ना सेशन को औ कंजूस हो तुम्हारा नाम मैंने बिल्कुल सही रखा है कंजूस दसो मैनू बोलो इंडिया बोलो समझाऊ मैं, आओ देखो सबसे पहले प्रिंसिपल सामने है। रेट सामने है। टाइम सामने है, बस अब दस मंथली का क्या मतलब हुआ ये तुम मेरे को समझा दो What is the meaning of दस मंथली? ढाई साल के लिए तुम्हारे हाथ में पैसा दे रही हूँ और तुमसे साइन ले रही हूँ। हर दस महीने बाद मेरे ब्याज को मेरे प्रिंसिपल में जोड़ देना। हर दस महीने बाद मेरे इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में जोड़ देना। प्लीज दस मंथली कितनी बार आएंगे ढाई साल में? ढाई साल का मतलब तीस महीने होता है दस महीनों को इज्जत से मौका मिलेगा तीन बार आने का तीस महीने में दस महीने तीन बार आएंगे बस मैं ये जानना चाहती हूँ महीने में दस महीने तीन बार आएंगे कि नहीं आएंगे ढाई साल में तीस महीने होते हैं मैंने तीस महीने के लिए तुमको किसको पैसा दिया मैंने पैसा दे दिया मान लो दीपक को दीपक ये लो मेरे पैसे ले लो तीस महीने के लिए रख लो लेकिन मेरे को दस महीने दस महीने का इंटरेस्ट प्रिंसिपल में जुड़ता हुआ दिखना चाहिए तो बोलेगा मैडम कर तो दूंगा देखो मैडम चाहे आप, आप से मैं आपसे लेकिन जो तरीका है वो भी तो पढ़ाऊब पर एन रेट है मैडम इससे ब्याज नहीं मिलेगा आपको ब्याज का रेट बदलेगा मैडम मैडम जी बारह महीनों का रेट होता है हमारे यहाँ पंद्रह परसेंट मैं जहाँ काम कर रहा हूँ लेकिन आप तो दस महीने का ब्याज मांग रही हो हम 12 महीने में 15 परसेंट देते हैं 10 महीने में 15 नहीं देंगे मैडम हर 10 महीने का रेट मैं बदल के बता देता हूं 15 बटा बारह इंटू दस हाँ <coughs> जी मैडम साढ़े बारह परसेंट आएगा 25 बटा दो क्या सब लोगों को साढ़े बारह परसेंट वाली बात समझ में आ गई कोई ऐसा बालक है जिसको ये नहीं समझ में आया साढ़े बारह परसेंट क्यों आया दोबारा बोलती हूँ बारह महीनों का रेट पंद्रह है दस महीनों का रेट पंद्रह बट्टा बारह इंटू दस होगा काटम पीटी कर दी आपके सामने ही साढ़े बारह परसेंट आ गया वही से जज्बात बदल गया जो भी है सब बदल गया ठीक है हूं दसो मेनू रेट चलेगा साढ़े बारह परसेंट दस मंथली ठीक है टाइम हो जाएगा तीन दस मंथ दस मंथली क्या ये थॉट प्रोसेस आपके माइंड में गया या ऊपर से उड़ गया हवा हवा में नहीं जाना चाहिए दिमाग के अंदर जाना चाहिए अगर ऊपर से टप गया है तो टोक दो वहीं रोक दो मतलब टाइम भी बदलता है रेट भी बदलता है टाइम भी बदलता है रेट भी बदलता है टाइम ये चेक करना होता है कि हमारे पास जितना भी टाइम है उसमें ये भाई साहब कितनी बार आएंगे फिर हमें क्या करना होता है ये पर रेट होता है हम जितने महीनों की बात कर रहे हैं उसमें रेट क्या बनेगा गोट है जी मेरे हिसाब से अगर साढ़े बारह परसेंट रेट है तो मैं पास्कल बाबा भी लगा सकती हूँ मैं कोई भी तरीका लगा सकती हूँ लेकिन अगर मेरे को क्यूब्स आते हैं ठीक है तो मैं रेशो मेथड को बेस्ट बेस्ट बोलूंगी साढ़े बारह परसेंट वन एट होता है एट से नाइन कईयों को नहीं पता होगा साढ़े बारह परसेंट वन बाईट होता है परसेंटेज चार्ट प्लीज आप लोग देख लीजिएगा वो आपको आता है तो आप कर लोगे हाँ जी बोलो जी पांच सौ बारह सात सौ उनतीस कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिख रहा है सात एक दो हेल्प कर दोगे मैडम की मेरी मदद कर दोगे अब बताओ मैं क्या करूं मैडम 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 ये भाई साहब आपके जो प्रिंसिपल है ना ये फोर जीरो नाइन सिक्स है मैडम जी मैम जी साफ साफ समझ में आ रहा है आठ गुना हो रहे हैं तो मैडम आप यहाँ पे आठ गुना कर दो निकाल लो कम्पाउंड हांजी जी 217 को जब आठ से गुना करोगे तो 1680 सो अस्सी प्लस छप्पन सत्रह सो पे है जी ये जी क्या मैं आपको अपनी बात अच्छे से समझा पाई कोई भी ऐसा बच्चा तो नहीं है क्लास के अंदर जिसके ऊपर से टप गई हो मेरी बात पता ही नहीं चला आप लोगों के साथ एक घंटा बीत गया बोलो जी दसो मैनू ऊपर से गई तो टोक दो समझ में आ गई तो आगे चलेंगे क्लियरम क्लियरम है <laughs> तुमने मेरे कीवर्ड्स चुरा लिए ठीक है मुसाफिर जी क्लियर है सब कुछ क्लियर है यहाँ तक तो मुझे एक मिनट का समय दोगे सांस भी ले लेते हैं ठीक है सांस ही नहीं ली अभी तक छोटी सी बात कि क्लास की पीडीएफ प्रैक्टिस के लिए आपको कहाँ से उठानी है वो इस टेलीग्राम को जुड़ना पड़ेगा आपको क्लास एंड करने से पहले मैं पीडीएफ देके जाती हूँ ठीक है क्वांट बायोपी का टेस्ट बुक या सर्च कर सकते हो दूसरी बात फिलहाल टेक्सट बुक के ऊपर ना आपके पास अच्छा मौका है ठीक है अगर आप डबल ए टी सी एग्जाम की प्रिपरेशन हमारे साथ करने वाले हैं ठीक है तो टाइम बिल्कुल सही है क्योंकि टेक्सट बुक पर उम्मीद का वर्ल्ड कप सेल चल रहा है ठीक है लिमिटेड टाइम ऑफर है मंथ्स के साथ फायदेमंद होता ही है कि आपको तीन मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है यानी सिर्फ टू सेवन टू नाइन रुपीज के कोर्स प्राइस पर आपको नाइन मंथ्स के लिए एटीसी वाला कोर्स मिलता है जिसमें आप लाइव रिकॉर्डेड सारे देख सकते हो ठीक है लेकिन उसके लिए <coughs> मेरा नाम है स्कूपन कोड यूज करना होगा इसमें हम आपको पूरा का पूरा पास फ्री दे रहे हैं ठीक है एडिशनल मंथ के लिए आपको वैलिडिटी दे रहे हैं और कोर्स का स्ट्रक्चर प्राइस टू सेवन टू नाइन है जिसमें सारे एजुकेटर की क्लासेस लाइव रिकॉर्डेड आप देख पाओगे कैसे ज्वाइन कर सकते हो आप जनरली गूगल पर जाकर टेक्स बुक को सर्च कर सकते हो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वो भी उठा सकते हो इंजीनियरिंग एग्जाम्स की कैटेगरी में आप जाइए गए ठीक है अभी आगे चलेंगे हम लोग कहानी बाकी है मेरे दोस्त यहाँ पर एटीसी एग्जाम के कोर्स स्ट्रक्चर पर क्लिक करिए ये या आपको यहाँ पर मैक्सिमम दिखा रहा है ठीक है विक्ट्री बैच आप जानते ही हैं क्लासेस की मंडे टू फ्राइडे आती है मेरी क्लासेस में 9 पीएम पर होती है ठीक है प्लस आपको ज्वाइन कैसे करना है पीडीएफ प्रैक्टिस सेट सॉरी आज मेरे को थोड़ा सा ना <coughs> कफ है आप भी डिस्टर्ब हो रहे होंगे टू प्लस हमने इसमें डाले हुए हैं क्या टेस्टिस यहाँ पर आप लोग गोपिका कूपन कोड यूज करिए अप्लाई पे क्लिक करिए स्ट्रक्चर उतना ही हो गया जितना आपको स्क्रीन पर दिख रहा था टू सेवन टू नाइन नाइन प्राइस ज्वाइन कर सकते हो एक क्लास हुई है मेरी अभी तक इसमें तो आधा घंटा तो दे दो यार तुम ऐसे मत किया करो ऐसा लगता फिर तुम्हें मजा नहीं आ रहा सीखने में ठीक है टाइम को मत मेजर करो चलने दो अगर मेरे को अलाउ करें ना मैं बारह घंटे खड़ी रह सकती हूँ यहाँ पर ठीक है मेरी कैपेबिलिटी नौ दस घंटे की तो है ही, दो घंटे और बनाना पड़ेगा चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए अभी रुको तुम पूछती हो मैं तुमसे तैयार हो तुम सारे आज भैया बताओ आधा घंटा और दे दो तुम मेरे को अपनी जिंदगी का ठीक है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए दो सेशन जरूरी है ठीक है दो सेशन में कंपाउंड इंटरेस्ट को निपटाएंगे बताओ अश्विन मैंने मिक्स्ड हर चीज के लिए तैयार रखना है अपने आपको एदर दसो चौबीस हजार रूपए के ऊपर दस परसेंट रेट से डेढ़ साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है सेमी एनुअली ओहो सेमी एनुअली डेढ़ साल अच्छा दसो मैनू की कर सो उड़ाओ उड़ाओ जल्दी जल्दी उड़ाओ बताओ क्या करने वाले हो सब लोग बताओ चौबीस हजार रुपए का प्रिंसिपल है दस परसेंट पर एन के हिसाब से डेढ़ साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताने को मांगता प्रतिज्ञा तो बताइए सबसे पहले रेट रूट को सही सेट कर लो सेमी एनुअली या डेढ़ साल है। डेढ़ साल में छः महीने कितनी बार? सबसे पहले आपको यह चेक करना पड़ेगा डेढ़ साल में छ महीनों की कितनी बार बार। एंट्री होगी? डेढ़ साल का मतलब अठारह महीनों में छह बार को तीन बार आने का मौका मिलता है ठीक है तो हमको ऐसा समझ में आ गया कि टाइम हमारे पास थ्री हाफ इ है गोटिट है जी टाइम हमारे पास तीन हाफ ईयरली है रेट हमारा पांच परसेंट चलेगा पर हाफ क्यों, क्यों, इन क्यों? परसेंट पर एन है बारह महीनों का रेट दस परसेंट है छ महीनों का रेट पांच परसेंट होगा ठीक है जी प्रिंसिपल बउआ कितना है चौबीस हजार वॉट ही वॉन्ट्स ही वॉन्ट कंपाउंड इंटरेस्ट अब बताओ तुम्हारी राय दो मैं तुम्हारी राय के बिना आगे नहीं बढ़ूंगी तुम्हारी राय चाहिए मुझे आई वॉन्ट योर राइज जल्दी जल्दी बताइए क्या करना चाहिए गजेंद्र जी वट एवर यू लाइक दिस आप बताइए मेरे को जैसे भी आप कहते हो रेशो मैथड विल वर्क बिल्कुल वर्क करेगा ठीक है हम रेशो मैथड से भी कर सकते हैं नोट ए बिग डील पास्कल बाबा चलो आज तुमने पास्कल बाबा बोल दिया तो पास्कल बाबा रेशो मैथड भी कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि आपको दिख रहा होगा आप बीस का क्यूब जानते हैं तो आठ हजार चौबीस हजार से सीधा तीन गुना कनेक्ट करता है ठीक है सही है एक बार मैं रेशो मेथड से अगर लिखती मेरे ख्याल से मेथड आपके लिए हेल्पफुल है जैसे कि एक बच्चे ने बोला यूनिट डिजिट पे खेला जा सकता है अभी खिलवाती हूँ तो देखो इन केस देखो अगर मैं पांच परसेंट का रेशो मेथड लिखूं बस मुझे क्यूब आने चाहिए बीस से इक्कीस बीस से इक्कीस बीस से इक्कीस नजर हटी दुर्घटना विल घटी 8000 से 9261 हो गया लेकिन उम्मीद करती हूँ बस जिसको क्यूब में प्रॉब्लम होगी वो इस मेथड की तरफ जाने की कोशिश ही नहीं करेगा अब मैंने सोचा कि बीच में 1261 अगर मैं 8000 को रिलेट करूं 24000 से तो ये तीन गुना हो रहा है मेरे भाई तो यहाँ पे भी तीन गुना करने पर यूनिट डिजिट तीन बन सकती है तो मेरे ख्याल से मैं बिना कैलकुलेशन के आंसर कर पाऊंगी ऐसे सोच सकती थी ना ठीक है बस ये है कि दिक्कत ये कर सकता है कि आपको 21 का क्यूब आता है कि नहीं आता पर यार जनरली तैयारी कर ही रहे हो तो कम से कम 25 तक के क्यूब नजर से से हो तो सही है लेट इट बी पास्कल बाबा से कैसे करेंगे ठीक है तीन तीन एक को इज्जत दे दीजिए सामने दे दी बता देती हूँ कैसे करेंगे पास्कल बाबा इज ट्री मैथड ये ट्री ही है बस ट्री में पूरी सजावट नहीं कर रहे सबसे पहले हमने ये हटा दू मैं रेशो मेथड समझ में आ गया सबको ठीक है प्रतिज्ञा ये सबको समझ में आ गया अब मैं क्या कर रही हूं सबसे पहले मैं क्या कर रही हूं प्रिंसिपल के ऊपर पांच परसेंट लगा रही हूं इसका पांच परसेंट बोले तो जल्दी जल्दी बोले तो बारह कितना जाएगा यार इसका पांच परसेंट दो जीरो कट गई बारह सो बारह सो बारह सो को यहां इज्जत दे दो बारह सो का पांच परसेंट करिए साठ साठ को यहाँ इज्जत है तो साठ का पांच परसेंट करिए तो चल ही रहा है कि यूनिट देखो एक समझदार बच्चा ऑप्शन पे नजर रखे हुए हो, बैठा होगा वो सोचेगा यार इसके पीछे भी जीरो आएगी इसके पीछे भी जीरो आएगी ये तीन आएगा तो तो भी लिखने से बचने की कोशिश करेगा ठीक है तो भी पूरा नहीं लिखेगा ये बच्चों की तरह थोड़ा लिखना होता है छत्तीसो एक सौ अस्सी एक नजर ऑप्शन पे हो तो उड़ाएगा दिमाग ठीक है धीरे धीरे फिर खुरा पाती दिमाग हो जाता है ठीक है चलिए समझ गए सब लोग एक एक चीज समझ पा रहे हो ना आप लोग मेरी बोली हुई बहुत ही बढ़िया, एकदम बढ़िया, ठीक है चलो कदम कदम बढ़ाते हुए आगे चलते हैं <coughs> अगला पूछती हूँ, पहले यही टाइप के पूरे कवर कर लेते हैं ठीक है ओके 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 चलिए देखते हैं आपने कितनी बातें मेरी सुनी है बताना लेट मी चेक यू कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस तीन साल के लिए दिया हुआ है सम ऑफ मनी क्या होगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट टेन परसेंट है कितनी बातें सुन रहे हो ये पता चलेगा इससे डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन समॉर थ्री इय इज दिस मच फाइंड द सम ऑफ मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट इन बोथ द केसेज इजन परसेंट हांजी हाँ जी क्या सोचा मैडम आपने लिखवाया था आपने लर्न करवाया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में दस परसेंट से तीन साल का इफेक्टिव रेट ये होता है सिंपल इंटरेस्ट तीन साल का ये होता है टेन इंटू थ्री इनका डिफरेंस 3.1 परसेंट होता है ये आपने लर्न कराया था 10 परसेंट को आपने पूरा लर्न करने के लिए बोला था ठीक है ना नजर 10 परसेंट को मैंने पूरा का पूरा लर्न करने को बोला था मैंने बोला था प्रिंसिपल पर डायरेक्ट 3.1 परसेंट लगा दीजिए तो अगर प्रिंसिपल पर डायरेक्ट 3.1 परसेंट की वैल्यू मेरे को मेरे को वन का इंटरेस्ट दे रही है आपकी हाँ है ना क्योंकि इस भैया ने साफ साफ बोला है डिफरेंस ऑफ CI आई एंड एस आई फोर थ्री इज दिस रेट टेन है टेन परसेंट से थ्री पॉइंट वन मैंने लर्न कराया था तो मेरे से प्रिंसिपल पूछ रहा है मैंने कहा जी सिक्स पे कटेगा और ये भाई साहब तीन जीरो बनके पीछे चढ़ जाएंगी छ हजार आंसर आ जाएगा ऑप्शन पे नजर भी रखा करो ठीक है बना दिया तुमने तो जितनी तिकड़ में आज सिखाई है ना उन सबका यूज करवा रही हूं मैं तुमसे अब बताओ एक मिनट ये वाला नहीं पहले ये बताओ बताओ मेनू बताओ हाँ वेरी गुड वेरी गुड वही 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 पहले ये बताओ अभी थोड़ी देर पहले ऐसा किया भी था अब तो देखो आंखों आंखों में उड़ने का मजा आ जाएगा अगर आप उड़ा दें तो बताओ इसका आंसर बताओ सबसे पहले बताने की कोशिश करो ना बोलो इंडिया बोलो दसो मैनू दो साल का सिंपल इंटरेस्ट सोलह परसेंट बढ़ रहा है दो साल का सिंपल इंटरेस्ट सोलह परसेंट बढ़ रहा है मतलब वो आपसे कहना चाह रहा है कि दो साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट सोलह परसेंट इंटरेस्ट कितना हो जाएगा परसेंट एक सोलह परसेंट बढ़ गया मतलब आपको जितना भी पैसा आप दे रहे हो उसके बदले सोलह परसेंट वापिस फालतू दे रहा है वो दो साल में सोलह परसेंट एक साल में आठ परसेंट अब, अब 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 कहता है प्रिंसिपल ले लो मैडम पच्चीस हजार रेट पकड़ लो मैडम आठ परसेंट टाइम ले लो मैम दो साल और इज्जत से कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो मैडम ओके बताती हूं क्या करूं मैं तुम बताओ ना क्या करूं बताओ स्वाति क्या करे रेशो मेथड तो भैया पसीने छुटा देगा रेशो मत सोचना आठ एक सौ आठ का क्यू स्क्वायर करना मेरे को खुद नहीं लग रहा करना सही रहेगा तो क्या तरीका यार सिंपल सा ट्री बना लो नोट बिग डील टू वन लिख लो इफेक्टिव रेट भी मत लगाना इफेक्टिव रेट इज आल्सो नॉट गुड सिंपल सा 25000 का 8% आराम से स्मूथली चलेगा कितना बनेगा 2000 आप ये सोचते हो कि मैडम आप डायरेक्ट कैसे लिख देते हो मैं मन मन में कर लेती हूँ आपके साथ बोलते बोलते ये मैंने ऐसे काट के ना मेरी आदत है मैं ना जहां पे भी मेरे को इवन नंबर के साथ पांच पे एंड होता है ना तो मैं इसको डबल कर देती हूं और उसको मन मन में आधा कर देती हूं ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे भी आठ परसेंट दो हजार हो गया और इस भैया का आठ परसेंट एक सौ साठ तो चार हजार एक सौ साठ अब देखो समझदारी किसमें क्या समझदारी के लिए इतना कुछ करना था अब देखो अब बिना ना पेन के सिखाती हूँ ना ना ट्री ट्रू भी लगाने की जरूरत नहीं थी एक ऐसा स्टूडेंट जिसने ऑप्शन पे हर दिन खेला होगा वो पता क्या देखेगा वो यहां देखते ही रुक जाएगा और की 2000 अगले साल भी 2000 आएगा तो आंसर 4000 पार होएगा काय को टाइम पास करना हटो हटो वो सजावट नहीं करेगा वो उड़ाएगा उसकी मतलब ये आदत आपको डालनी पड़ेगी यहाँ पे भी आपकी नजर है और क्वेश्चन भी सोल्व कर रहे हो फिर आप खेल जाओगे कि एक साल का सिंपल इंटरेस्ट 2000 है तो दो साल का तो चार ही होगा आंसर चार से तो ऊपर होगा इतना छोटा छोटा हो नहीं सकता है और ये जेनुइन क्वेश्चन है ये ये समझना मैंने सेट किए ऑप्शन मैंने नहीं किए ठीक है ये मेरे सेट के ऑप्शन नहीं है जैसे प्रीवियस कही ईयर कहीं कहीं किसी ना ना किसी ना, किसी पेपर के पूछे गए सवाल है कहीं आप सोचो मैडम ने क्वेश्चन में ऑप्शन ही ऐसे बनाए होंगे नो 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 आई हैव डोंट डोंट मतलब मैंने नहीं किया ये चलो आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ <coughs> एक मिनट रुको एक रह गया था बीच में छोड़ा था ना भी मैंने एक हाँ जी ये पूछ रही थी मैं आपसे बताइए बहुत सही किया लोकेश अगला क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन भाई साहब बोल रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ रुपीज फिफ्टीन थाउजेंड फॉर टू ईयर्स इज रुपीज नाइनटी सिक्स वट वॉज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एन अभी तक रेट का कोई क्वेश्चन नहीं आया ना अभी तक रेट का नो क्वेश्चन ना ओके क्या करें जब कुछ तरीका ना भी पता हो ना तो भी मैं आपको एक बात बोल देती हूँ आपके पास ऑप्शन होता है और चार ऑप्शन वाले गेम तो बहुत इजी है खेलना जिस जगह पर आपको चार ऑप्शन पे खेलना होता है ना आप समझ लीजिए आप सही जा रहे हैं बैंकिंग के तो में पांच पांच ऑप्शन फंसाते हैं यहां पर मैं ये सोच सकती थी कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही लिखवाया था कि किसी भी प्रिंसिपल के ऊपर अगर आपको अगर आपको सी आई और एस SI आई का डिफरेंस चाहिए दो साल का तो मैंने क्या प्रोसेस बताया था आर स्क्वायर बाय हंड्रेड परसेंट बताया था ना ऐसा भी जरूरी नहीं है रेट तो चलो गायब है पता ही नहीं है कितना है टाइम दो साल है और आपको सी आई और एस SI आई का डिफरेंस दिया हुआ है नाइनटी सिक्स ठीक है और आप मेरे से पूछ रहे हैं कि वैल्यू क्या होगी तो मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आप ऑप्शन वेरिफिकेशन क्यों नहीं कर लेते व्हाई डोंट यू डू ऑप्शन वेरिफिकेशन पंद्रह हजार के ऊपर या तो आप लगा दीजिए आर स्क्वायर बाय हंड्रेड परसेंट करके ऑप्शन चेक कर लीजिए या आप एक एक करके ऑप्शन उठा लीजिए जैसे आपने ऐसे चेक किया आठ इधर देखिए पंद्रह का आठ क्या बनेगा दो जीरो उठेगी और 1200 का 8 आठ परसेंट मन माने आपने चेक कर लिया कि 96 यही बन रहा है तो ऐसे चेक करके आंसर कर दिया ऑप्शन पे नजर रख ली लेकिन एक तरीका बता दू मैंने इसका ना एक फॉर्मेशन बता बता देना आपको वो फॉर्मेशन भी आप माइंड में रख लेना ठीक है फॉर्मेशन बताऊ देखो कभी भी दो साल के लिए बता रही हूं आपको रेट निकालना आप ना डी बाई बी का रूट करके इंटू हंड्रेड परसेंट कर देना लेकिन इट विल वर्क फॉर ओनली टू इयर्स ठीक है ये सिर्फ दो साल के लिए यूज में ले सकते हो आप लोग प्रिंसिपल पर आर बाय हंड्रेड परसेंट डिफरेंस था ना तो आर परसेंट इज डी पी उसी को घुमा के मैंने ये बना दिया आप चेक कर लीजिए ये हंड्रेड उधर जाएगा ठीक है और ये वाला हंड्रेड भी उधर जाएगा परसेंटेज का नीचे दो बार जीरो आएगी ना तो ये चला इसको हटा लगा तो क्या बन याद करने की जरूरत नहीं है ठीक है ये सिर्फ दो साल के लिए ब्रो तीन साल के लिए जजमेंट और कुछ है ठीक है वो बहुत खतरनाक होता है ऐसा वाला फॉर्मूला इसके बिना भी काम चल जाता है ये सिर्फ दो साल के लिए ठीक है अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आप डायरेक्ट क्या करना तो रेट निकालने के लिए D बाई पी अंडर द रूट इंटू हंड्रेड परसेंट ठीक है 96 के की अपोन में पंद्रह हजार डाल दिया करो जल्दी जल्दी करो काटम शुरू कर दीजिए ठीक है जल्दी जल्दी से काटम पीटी करो जल्दम जल्दम काटम पीटी काटम पीटी करो उड़ाओ जरा इसको किस पर काटोगे उड़वा दो यार <coughs> मेरे ऊपर ही डाल दोगे मैडम खुद ही काट लो ठीक है पे पे काट रही ठीक है और दसो दो पे काट दू चार बट्टा पचास बन गया स्क्वायर रूट करने पर मैंने ना मैंने ना आपको फॉर्मूले से भी समझा दिया मैंने आपको ऑप्शन से भी समझा दिया ठीक ठीक है 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 क्लियर मैंने आपको ऑप्शन से भी सिखा दिया मैंने आप लोगों को फॉर्मूले से भी सिखा दिया डीवाईपी अंडर द रुटेन टू हंड्रेड परसेंट ठीक है कुछ नमूने क्लास में आए बैठे हैं कृपा करें यहां से रफा दफा हो जाइए आपकी यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है ठीक है समझ में आ गयो बात क्लियर हो गई ठीक है सुनिए अगला क्वेश्चन अब मेरे को ना एक सवाल पूछ रहा था अश्विन आप में से मैं अश्विन की बात का जवाब देती हूँ एक मिनट रुकिएगा बस एक बार इस बात का जवाब देना आप लोग

किस रेट परसेंट पर एन के हिसाब से अस्सी हजार रुपए आपको नाइन टू सिक्स वन जीरो देगा तीन साल में कंपाउंड इंटरेस्ट पर बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो इन प्रतिज्ञा ठीक है दसो दस मैनू फाइव परसेंट कैसे ट्राई कर ले क्या सोचा आप लोगों ने एक नजर ऑप्शन पे टिकाई एक नजर क्वेश्चन पेटी का आई लेकिन आपके माइंड में एक बात आई होगी कि बचपन में हमें टीचर ने एक फॉर्मूला सिखाया था अब चर्चा इस इस पे पे शुरू आगे वाली चर्चा रहेगी हमारी मेरी अगली चर्चा इस फॉर्मूले से जुड़े सवालों पे होगी वही जो आप कह रहे थे कुछ सालों में हमारा पैसा इतना हो गया ठीक है कुछ सालों में इतना हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट पर प्रिंसिपल बता दीजिए ठीक है अब इधर देखिए यहाँ पर एक समझदार बच्चे का दिमाग ये चलेगा कि मैडम अमाउंट इतना है प्रिंसिपल बउआ इतना है समझ नहीं आ रहा मैडम किस रेट से कहानी सेट की जाए ठीक है टाइम है तीन साल ठीक है समझ पा रहे हो समझ पा रहे हो तो माइंड यही तो बोलेगा नाइन टू सिक्स वन जीरो अस्सी हजार एक जीरो उड़ा दीजिए आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कि ये किस तब तक काटिएगा जब तक ये कोई क्यूबिक फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए जैसे ही कोई क्यूबिक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ 21 का, 21 का आपको जैसे ही ऑप्शन से, तीन से, तीन से भी चेक कर सकते हो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो लेकिन रियल प्रेजेंटेशन ये है जब यहां पहुंचोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई साहब बीस से इक्कीस होने का सीधा साधारण यही मतलब है एक रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है बीस रुपए पर यानी रेट होगा, ठीक है क्लियर है? समझ के समझ गए आप लोग ठीक है यस आपने एक ऑप्शन पे नजर रखी होती मतलब ये चीज भी करने की जरूरत नहीं है बट दिस इज अ रियल वे अगर आप ऑप्शन वाले हो अगर आप ऑप्शन पे खेल लेते हो तो आप जैसे नजर ऑप्शन ऑप्शन दस से ग्यारह दस से ग्यारह ऐसे सोच रहे हो तो जब आपकी नजर इस पे पड़ी होगी तो आपकी आंखों को ना यह दिखने लग गया होगा और जैसे ही आपकी आंखें इसको पकड़ गई होंगी ना तो आप कोई फॉर्मूला फोर्मूला कुछ लिखेंगे ही नहीं आप बोलोगे बउआ क्वेश्चन तो यही है कि यहाँ अस्सी हजार है तो यहाँ नाइन टू सिक्स वन जीरो है मतलब इसके लिए पेन नहीं चलता वो अभी के लिए सीख लीजिए सारा कुछ लेकिन आप पेपर में बैठे होंगे तो आप भी ऐसे ही सोचते सारे ऑप्शन पे अपनी नजर टपा देते आप भी है ना कौन है वायरस कौन वायरस कौन है अरे आ, बोलने दो ना क्या ही फर्क पड़ रहा है मैं ध्यान ही नहीं जाता कौन क्या बकवास लिख रहा है फालतू कौन है छोड़ो <laughs> परा तुम भी हंस लिया करो तुम्हें हंसने का मौका मिल रहा है जाने दो तो दुनिया वालों को जाने दो तो, छोड़ो पना यार क्या ही करना है इन लोगों का ठीक है समझ गए भाई साहब ठीक है पक्कम पक्की बात है ना इतनी बातें समझ में आ गई ना जो आज सीखी हैं ठीक है तो और कुछ अभी के लिए समझाऊं हो सकता है कुछ अभी पॉसिबल वो तो पूरा टाइम चाहिए अमाउंट वाले टाइम के लिए ठीक है अगर तुम्हारी अगली क्लास कितने बजे है बताना जरा अश्विन वो ये सब पैटर्न है ठीक है ये क्वेश्चन डले हुए हैं ये नेक्स्ट पार्ट में आ जाएंगे ये सब है वो जो तुम बोल रहे हो सब कुछ डला हुआ है इसके अंदर वो सेकेंड पार्ट में आएगा जैसे डालू गिवस लालू ठीक है इस तरह के क्वेश्चन है वो ठीक है चलने दो चलो <coughs> मेरा तो टाइम अप होने का टाइम आ गया है ठीक है मैं इसका सेकंड पार्ट जो लेके आऊंगी ठीक है वो उस टाइप के पैटर्न्स पे होगा और इसका सेकंड लेवल हाई लेवल दिस इज द बेस लेवल ठीक है दिस इज द बेस लेवल अब इसका सेकंड पार्ट जो आएगा वो हाई लेवल आएगा ठीक है मुझे तो वाइंड अप करना पड़ेगा क्योंकि मुझे इतना ही टाइम अलॉटेड था आप लोग सेशन को लाइक like शेयर कर देना सेकेंड पार्ट जरूर देख लेना सबसे बोल रही हूँ जो रिकॉर्डेड में भी है ठीक है वो अगली क्लास में कराऊंगी ठीक है सेकेंड पार्ट जरूर देख लीजिएगा कल वाले सेशन में या जो भी सेकेंड पार्ट जब भी आएगा मेरे ख्याल से कल ही आएगा आप उसको कंटिन्यू देख लेना दो पार्ट्स में डन डन ठीक डन डन, है आज के लिए इतना ही इजाजत दीजिए मुझे जाने की जितना पैटर्न सीखा है ना कल सेम टाइमिंग नौ बजे जितना सीखा है ना उतने पे पहले अच्छे से काम कर लेना ठीक है सेकेंड पार्ट कल ही आएगा एक घंटे की नीड पड़ेगी एक घंटे में निपट लेगा ओके okay जी सेम टाइम थैंक यू सो मच है गुड डे टेक केयर लाइक शेयर कर देना सेशन को अपना ध्यान रखना पढ़ते रहिए पीडीएफ लेते जाइए ठीक है पीडीएफ में भेज रही हूँ ठीक है इतने क्वेश्चन पे प्रैक्टिस मार लेना पहले टाटाज